ये हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस सॉल्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, ये वाटर है ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है मीडियम है जहाँ से क्या बिजली पास हो रही है ना, चल रहा है ये कैसे चल रहा है, पानी में डाल के चल रहा है, ठीक है। ये देखो पानी में, इसका मतलब क्या है, करंट पानी क्या कर रहा है, पास कर रहा है ना, इसका मतलब इस पानी में क्या है, इम्प्यूरिटीज हैं। अगर पानी साफ होता, क्लियर पानी होता, इसमें कोई साल्ट नहीं होते, है ना, पानी में साल्ट होते ही होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको कौन सा पानी, यहाँ पे आरओ की बोतल मिलती है पानी, जो पानी में बोतल नहीं होती, बोतल में पानी फिल्टर वाटर होता है, वो नहीं मिलता इधर, अगर वो पानी हम डालेंगे तो ये करंट पास है नहीं करेगा अभी भी, लेकिन पूरा ग्लो नहीं कर रहा है, हाँ कम कर रहा है। जैसे जैसे हम इसमें क्या डालेंगे, साल डालेंगे, ये ग्लो करना ज्यादा हो जाएगा, क्यों करेगा, क्योंकि सर इसमें प्योरिटी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, जो नमक होता है ना, जैसा हम पानी में डालते हैं तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, सोडियम क्लोरीन जैसे बना हुआ NaCl के बना हुआ, जैसे पानी में डालेंगे Na मीन्स सोडियम लग हो जाएगा, क्लोरीन लग हो जाएगा, दूर दूर चले जाएंगे। सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, यही चार्ज जो है उस वक्त क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में मदद करता है, यही फ्लो करता है, तो इसलिए उस वक्त ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे नमक डालेंगे, लाइट दिख रही है सबको, तो देखना जैसे जैसे हम नमक डालेंगे और सोल्यूशन बनती जाएगी, कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जा रही, नजर आ रहा है या सिर्फ मुझे ही दिख रहा है ये, हाँ कुछ नजर फर्क दिख रहा है, बल्ब की लाइट बढ़ी है ना, तो जितना हम इसमें नमक डालेंगे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ये गुड कंडक्टर बनता जा रहा है। yes, sir. जिस वक्त ये चल रहा था थोड़ी लाइट चलती थी, मतलब सेमी कंडक्टर था, आधा कंडक्टर था, जैसे yes, जैसे हम नमक डालते जा रहे हैं कंडक्टिविटी बढ़ती गई, बढ़ती जा रही है ना। तो नमक डालने से क्या हो रहा है, देख रहे हो, yes, sir. तो ये जितना नमक हम डालेंगे कंडक्टिविटी लाइट बढ़ती जाएगी, क्योंकि बीच में से हमने तार जोड़ी नहीं है, कंडक्ट कौन कर रहा है, पानी कर रहा है, पानी जब कर रहा था कम ग्लो कर रहा था बल्ब, जैसे जैसे हम ये बढ़ाते जा रहे हैं लाइट उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये क्यों बढ़ती जा रही है, आप बताओ, साल्ट सर इसमें डाला, साल्ट से क्या होगा सर, इसमें जो इंप्योरिटीज बढ़ जाती है, साल्ट जो है आइंस में ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, कौन कौन से, सोडियम और क्लोरीन, जो साल्ट है ना उसका नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सिंबल है उसका NaCl, उसमें सोडियम भी होता है और क्लोरीन, लेकिन ये जुड़े होते हैं, जब ये नमक है क्या है, ये जुड़े हुए हैं आपस में, सोडियम और क्लोरीन के बीच में फोर से बॉन्ड बोलते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। yes, जैसे हम इसमें को पानी में डालते हैं, सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, हाँ, तो सोडियम और क्लोरीन आयंस जो हैं, हाँ एक पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, जिन पे भी चार्ज होता है उसको हम आयंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयंस दो तरह के होते हैं, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस, वही आयंस जो है इस वक्त इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं, जैसे ये वायर है इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है, तो इसमें फ्री क्या होते हैं, जो भी मेटल्स होती है उसमें फ्री क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही बिजली को चलाते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जो गुड कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जो बैड कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फ्लो ही नहीं करने देते हैं। तो पानी में जो है प्योर, जब पानी होगा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जिसमें कोई भी साल्ट नहीं होगा, उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होगी, है ना, तो वो कभी भी पानी को पास नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो नेचर में पानी मिलता है हमें, उसमें साल्ट होते ही होते हैं, मिनरल्स होते होते हैं, मिनरल्स के कारण पानी क्या होता है, करंट को पास करता है, जितनी भी मिनरल्स हैं, जैसे आयरन होता है, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर भी होता है पानी में, तो ये पानी को क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। अगर हम आरओ का पानी लें, है ना, आरओ क्या होता है, पानी को फिल्टर करने के लिए, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस सुना आपने, उससे पानी को बिल्कुल फिल्टर किया जाता है, उसमें इम्प्योरिटीज जो है ना वो निकाल दी जाती है, ठीक है, तो उस वक्त वो पानी जो है बैड कंडक्टर हो जाता है, किसका, इलेक्ट्रिक।